शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इन बीसीएन और सिटी न्यूज के दर्शकों को फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर परिचर्चा का दौर जो है आज तक चलता आया है। पार्श्वभूमि है कोरोना नामक महाभयंकर बीमारी COVID-19 से सारा देश जूझ रहा है। ये मैं तो डायलर टोन की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2020 ने आते ही जो आतंक का कहर जो ढाया है देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर में, उससे अब तक भी हम छुटकारा नहीं पा सके हैं। लॉकडाउन का सिलसिला चला 5.0 तक, अनलॉक जो हुआ वो भी 1.0 अब खत्म होने पर अनलॉक 2, और इसके चलते जो कोरोना के आंकड़े स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, तो ये स्थिति जो है और आगे की स्थिति कितनी भयावह होगी, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में सम्मिलित है आज हमारे साथ में नागपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अविनाश भाऊ ठाकरे। मैं इनका स्वागत करता हूँ। अविनाश भाऊ, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है कांग्रेस पार्टी से गुड्डू भाई योगेंद्र जी तिवारी। योगेंद्र भाऊ तिवारी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में सिटी न्यूज के सर्वे सर्वा डॉक्टर चंदू सुजातिया जी। चंदू जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार। हमारे साथ में है इमरान जी, जो कि इन बीसीएन न्यूज के एडिटर इन चीफ और डायरेक्टर है। इमरान जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। चलिए, बहुत ज्यादा समय ना बिताते हुए मैं सीधा अविनाश भाऊ के पास में आता हूँ। अविनाश भाऊ, अभी लॉकडाउन 2.0 और कोरोना का कहर, क्या कहेंगे सर, क्या स्थिति है और क्या आने वाली स्थिति में, क्या और हम देखने वाले भविष्य में? आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लॉकडाउन 2 की अनलॉकडाउन 2 की घोषणा की। एक्चुअली लॉकडाउन 2 नहीं कह सकते हम लोग, उसमें 11 शहर जो है, 11 जिले छोड़ के बाकी यहाँ पर काफी सारे उन्होंने रिलैक्सेशन दिए है, और 11 जगह पे जो है वो उस पर भी अनलॉकडाउन की प्रोसेस स्टार्ट करते वक्त, सेकेंड टाइम स्टार्ट करते वक्त उन्होंने वहां के कलेक्टर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो आयुक्त है उन्हें स्पेशल पावर देके कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो था कि दूर में वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उन्हें भी ट्रैवल करने के लिए उन्होंने परमिशन दी है। मुझे लगता है अगर हमें देश को आगे लेके जाना है तो अनलॉकडाउन तो हमें करना पड़ेगा, आज नहीं कल कभी ना कभी किसी न किसी हर स्थिति में हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है इंडिया के या किसी भी स्टेट के, उनमें सुधार लाने की भी आवश्यकता है, और जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी अभी धीरे धीरे उनके हाथ में भी काम आना चाहिए, इस प्रकार से हमें जाना पड़ेगा। लेकिन ये करते वक्त जो कोताही कई जगह पे हमें प्रशासन की तरफ से दिखती है, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा अमल, उसके ऊपर भी अच्छी पकड़ रखने की आवश्यकता है। मतलब जैसा उत्तर प्रदेश का अगर मैं उदाहरण दूं, तो उत्तर प्रदेश में जब लॉकडाउन था तब भी और अभी भी, जब अनलॉकडाउन हो रहा है तभी भी, तो उन्होंने कुछ जो विशेष प्रोविजंस की थी कि लोगों के घर तक जो नेसेसरी जो चीजें है वो लोगों जीवनावश्यक वस्तु की जो है वहां तक पहुंचे, वो वहां तक पहुंचाने की गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा की गई थी, इसकी वजह से हमें उसके रिजल्ट भी दिखते आए। बट महाराष्ट्र में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जब भी था, लॉकडाउन तब था, तब भी हम लोग अनलॉकडाउन की सिचुएशन बारंबार अनुभव उसका करते थे। कई सारे बाजारों में हजारों में भीड़, रस्ते पे हजारों में भीड़, ये हम उस वक्त भी ये अनुभव करते थे। मतलब महाराष्ट्र में लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में ऐसा कुछ मुझे ज्यादा खास अंतर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो परिस्थिति लॉकडाउन के समय थी महाराष्ट्र में वो भयावह परिस्थिति थी, हर जिले में भयावह परिस्थिति थी, आप देख सकते हैं। और उसी दौरान जो कोरोना की जो कोरोना बढ़ा गया है वो लॉकडाउन ठीक से न पालने की वजह से बढ़ा हुआ है। अभी अनलॉकडाउन में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लेने चाहिए थे वो महाराष्ट्र में हमें दिख नहीं रहे। मतलब अनलॉकडाउन एक हुआ और एक में तो दिखाई नहीं दे, अभी दो का तो आज से ही कल से चालू हो रहा है। जैसा पेपर पर है, आपका कहना है पेपर पर भी नहीं है, पेपर पे बोले तो जीआर निकालने से क्या होता है। हाँ, मैं वो इसकी बात कर रहा हूँ कि पेपर पर आपने घोषणा, पेपर पे आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए प्रशासन को और लोगों को, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है, एग्जीक्यूशन पार्ट जो है, उसका कोई ऐसा जी जीरो जीरो। देख आप, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ जी, अनलॉकडाउन में जो भी पेशेंट निकल रहे वो ज्यादातर ट्रेवलिंग से आए हुए लोग है और उनके संपर्क में आए हुए लोग जी। मतलब जैसा मुंबई से आए है ज्यादातर, अभी जो निकल रहे हैं वो उसी वही लोग निकल रहे हैं जिनको होम क्वारंटाइन करके बताया गया। होम क्वारंटाइन में भी वो सही में होम क्वारंटाइन है कि नहीं है इसकी भी जानकारी प्रॉपर से नहीं रखी गई, या तो फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के वक्त भी उनके बारंबार जो चेकअप होने चाहिए वो नहीं हुए। आज अभी तो जो भी लोग मिल रहे हैं वो घर से ही हम लोग लेके जा रहे हैं ना, जैसा मुंबई से आया कोई वो होम क्वारंटाइन है,
तो लेकिन वो उसको घर पे ही घर घर में वो उसको घर से हम लोग लेके जा रहे हैं। तो इसके जी लिए भी एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने करनी चाहिए थी अनलॉकडाउन टू के वक्त, वो नहीं करने की वजह से अभी हमारा जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ रहा, क्योंकि वो जो असेसमेंट सिस्टम या फिर वो ऑब्जर्वेशन सिस्टम है वो ठीक से गवर्नमेंट ने चलाई नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अब अनलॉकडाउन टू के चलते जो भी आने वाला होना आने वाले समय में, कम से कम गवर्नमेंट ने हर इंस्टीट्यूशन के पास में एक टेस्टिंग के बारे में कुछ ना कुछ रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अभी नेट का जमाना है, अभी हम तो मेरे आपके चैनल पे दूसरी या तीसरी मुलाकात चल रही है, मैं तो घर में जी बैठ के मुलाकात दे रहा हूँ ना। तो ऑफिशियल वर्क को भी, मतलब ऑफिशियल वर्क को भी हम लोग घर पे बैठ के क्यों नहीं कर सकते, ऑनलाइन सारी चीजें क्यों नहीं ला सकते है। मतलब मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि महापोर्टल गवर्नमेंट ने बंद करके रखा हुआ है। जैसा अभी नागपुर कॉरपोरेशन में जब हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे तो टेंडर की प्रोसेस ऑनलाइन बंद करके रखी है सब गवर्नमेंट ने, महापोर्टल बंद करके रखा है। तो मुझे अगर कोई अगर मुझे 7-12 की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट भी लेना है तो मुझे ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, मुझे डेथ सर्टिफिकेट लेना है तो भी मुझे ऑफिस में ही जाना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, कर सकती थी, बट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए जनता को बाहर निकलना ही पड़ रहा है। और जो मतलब मेरे घर के पास में अगर कोई चीज मिलती है तो मुझे दूर जाने की आवश्यकता नहीं ना। तो ये सारी ठीक सारी ठीक है। मतलब चीजें हम जो वर्किंग फ्रॉम होम और हम आइसोलेशन की बात करते हैं, सेल्फ क्वारंटाइन की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन की इन नीतियों के वजह से वो साकार होता नजर नहीं आ रहा। और ये भी एक वजह है कि जिससे आंकड़ों में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं दिख रही है। बिल्कुल जितना आदमी आइसोलेट रहेगा, जितना आदमी को बाहर जाने की जरूरत कम पड़ेगी, उतना इस कोरोना का COVID-19 का प्रसार जो है कम होगा। मैं आता हूँ गुड्डू तिवारी सर के तरफ। गुड्डू जी, आप किस नजरिए से देखते सर अनलॉक टू और कोरोना का कहर के आंकड़े? बहुत रोज 20,000 के हिसाब से देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसा है कि महाराष्ट्र ने जो अभी सेकंड लॉकडाउन किया है 31 जुलाई जी तक, ये आम पब्लिक के फायदे के लिए किया हुआ है। अब कैसा है कि हम लोग कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने काम नहीं किया तो हम लोग यहाँ कैसे बैठे? गवर्नमेंट काम नहीं करती तो परसेंटेज बढ़ता था। आज गवर्नमेंट जो भी है बहुत अच्छा काम कर रही है, लॉकडाउन को आम आदमी के लिए किया गया। आज नागपुर में परसेंटेज 1500 तक पहुंच चुका है। जब यहाँ जी पे नागपुर महानगर पालिका के लोग कुछ अच्छा करने जाते हैं, जैसा मुंडे जी कुछ अच्छा करने रोकते कौन है? हम लोग भी रोकते हैं कि मुंडे जी ने ठीक काम नहीं किया। तो आप एक मेक हाथ पैर हाथ खींचने से लॉकडाउन के अपने पैर हाथ खींचने की आज समय नहीं है, ये महामारी है, इसने सबने एक मेक को साथ देके एक मेक के साथ चलना चाहिए। गुड्डू जी, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये COVID-19 का जो ये दौर चल रहा है, सभी लोग यही कह रहे हैं कि ये राजनीति करने का समय है ही नहीं, और इसी तरह से आगे अगर बढ़े तो कहीं ना कहीं ये हो जाए। लेकिन यहां पर बात है कि बीच में राजनीति कैसे आ जाती है? बहुत बार आई है राजनीति, बहुत बार। अभी आज दिन 4 दिन का हर चीज के लिए उसमें भी राजनीति आई है। आज तक नागपुर में हम भी 5 साल कार्यपोर्टर रहे, लेकिन 4 दिन कंटिन्यू हाउस कभी नहीं चला। जो मुंडी जी ने किया बहुत अच्छा किया, नागपुर में भी अच्छा काम हो रहा था, आपने भी देखा हमने भी देखा। अब इसमें कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आम पब्लिक की भी हाथों में कुछ होता है। आज दुकानें वन साइड दुकानें अल्टरनेटिव दुकानें चालू होती, वहां गर्दी बढ़ जाती है, वहां कुछ करने गया तो आप लोकल जो नेता सामने आ जाते हैं। तो भैया लोता लोगों ने भी और आम पब्लिक ने भी इसका सपोर्ट करना चाहिए जिससे ये परसेंटेज ना बढ़े। ठीक है चंदू जी, गुड्डू जी ने कहा कि जैसे भीड़ हो रही है, आपका ये बिल्कुल नजदीकी विषय है कि चंदू जी हमारे कहते कि पूरे सब कुछ खोल देना चाहिए। जैसे भीड़ बढ़ी, एक साइड की दुकानें चालू, ऑड इवन की हम बात कर रहे हैं, ऑड इवन में एक साइड की दुकानें चालू हैं, अब अनलॉक टू सिस्टम वही रहेगा सर? जी, पहली बात तो आज दोनों कांग्रेस और बीजेपी का है, बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी की बातें सुनने को मिल रही है यहाँ पे बिल्कुल भी चैनल पे भी कहीं ऐसा राजनीति से अलग हटके विषय आ रहा ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि विषय आखिर सरकार ने क्या किया, कौन सी सरकार अच्छा करे, कौन सी सरकार अच्छा नहीं करे, इस पे जाके रुकता है। कोविड से लड़ने की, कोविड से निपटने की बात कहीं नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी अभी ये जब आपने 2 महीने पहले तीसरे लॉकडाउन के बाद में केंद्र से घोषणा हो गई कि इसके साथ में जीने की आदत डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्यों राह देख रहे हैं? जब जीने की आदत डालनी पड़ेगी तो जीने के आदत डाल के उसके रास्ते बता दो, क्यों लॉकडाउन कर रहे हैं? क्यों लॉकडाउन वापस आज वापस 31 जुलाई तक का घोषणा हुई है, क्यों लॉकडाउन की आवश्यकता क्यों हो रही है? लॉकडाउन की आवश्यकता आपको ये है, आपको लगता है कि ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, उतनी सुविधा आपके पास में नहीं है जितने होनी चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली में भी जैसे बताया घर पे भी रहकर हम इलाज कर सकते हैं, बाकी जगह भी ऐसा हो सकता है। अनलॉक करने के बाद में जो
जितनी लॉकडाउन से परेशानी जितनी नहीं हुई उतनी बंद करने के कारण आर्थिक परेशानी होगी। आर्थिक परेशानी के साथ में उसको निपटने की तैयारी सरकार की किसी की भी आर्थिक परेशानी निपटने की नहीं है। बिजली के बिल को ले लो, पेट्रोल के भाव को ले लो, सब जगह हर जगह कारण आखिर जो है वो कोविड है। कोविड के कारण सारी की सारी मार आम आदमी के जेब पर बैठ रही है, क्योंकि जब तक ये लॉकडाउन चलते रहेगा कोई ना कोई रूप से आपसे महंगाई के रूप में, टैक्स के रूप में सरकार भी पैसा लेते रहे, क्योंकि सरकार के पास भी पैसा कहाँ से आएगा चलाने, सरकार को पैसा लगेगा, सरकार को देने के लिए जनता ही, और जनता ऑलरेडी खाली हो चुकी है। तो जनता, लॉकडाउन और उसके साथ में जनता की जेब, ये दोनों को साथ में रख के देखना चाहिए। पूरा लॉकडाउन इसका कोई कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं है। रहा टेस्टिंग हो रही नहीं हो रही, ये डिफरेंट पार्ट है, क्योंकि टेस्टिंग जितनी कैपेसिटी रहेंगी सरकार की, सभी सरकारों की, मैं हमारा सरकार की बात नहीं कर रहा, सभी सरकारों की अपने अपने हिसाब से जितनी उनके पास में कैपेसिटी है उसके हिसाब से टेस्टिंग करते रहे। उत्तर प्रदेश की भाई साहब बात करते हुए, उत्तर प्रदेश में मात्र अभी तक 7.25 लाख टेस्टिंग हुई, जबकि अपने महाराष्ट्र में 10.25 लाख टेस्टिंग अभी तक हो गई है। दोनों की जनसंख्या में बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश में लोग, आप यदि कहते हैं कि ट्रेवलिंग से और भीड़ से इससे सारे कोरोना बढ़ता, तो सबसे ज्यादा माइग्रेट होके लोग उत्तर प्रदेश में गए, कहाँ है वहां के आंकड़े? यदि नहीं होता ट्रेवलिंग करने से, टेस्टिंग नहीं हुई ना सर, वो तादाद में टेस्टिंग नहीं हुई ना, नहीं हुई नहीं, टेस्टिंग नहीं, पता नहीं ना, अपने को नहीं पता ना भाई, हम तो यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में बहुत अच्छी सुविधा करके, जब सारी सुविधा वहां पे है लेकिन आंकड़े नहीं है ना, टेस्टिंग नहीं, उससे आंकड़े नहीं है। यदि सारी सुविधा सरकार देके, यदि सारे के सारे पैसेंजर को, सारे ट्रेवलर्स को एक्सेप्ट कर सकती है, तो ट्रेवलिंग खोल देनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट इन्होंने क्यों बंदी लाके रखी पता नहीं, जब पता है कि कोरोना के साथ में आपको जीना है, हर चीज में बोलना है, हर आदमी वही प्रचार कर रहा है कि कोरोना के साथ में जीना है, जीना है। और ये परिस्थिति, यानी जैसे इमरान भाई ने शुरुआत में बताया कि अमरावती में आंकड़े की, अमरावती में भी 3 आया कल 35 आया, नॉर्मल आंकड़े है ये 2021 तक चलते रहेगा। अमरावती में 20-25 का आंकड़ा, नागपुर में 25-50 का चलते रहेगा, बॉम्बे में 100-200 का चलते रहेगा, 21 तक चलते रहेगा। तो 2021 तक क्या हम लॉकडाउन करेंगे? लॉकडाउन कहीं ना कहीं तो आपको ओपन करना है ना, एक बार ओपन करके भी ट्रायल ले लो, क्योंकि हमारे यहाँ सारा देखो कि मॉर्टिलिटी रेट वो नहीं है जो अपेक्षित था, महामारी का कई मॉर्टिलिटी रेट है। अभी आप देखो तो 16,504 लोगों की मौत टोटल पूरे हमारे यहाँ पे अभी तक कोविड से बताई जा रही, 16,003 महीने हो गए इसमें। ये कहीं पे भी यानी ठीक है, WHO ने आपको गाइडलाइन दी, अपने आयुष मंत्रालय ने उसको ये किया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सारा किया, उसको महामारी हमने मान लिया, लेकिन महामारी हमने सुनी, प्लेग की सुनी, हैजे की सुनी, उससे ज्यादा और दूसरी सुनी, लेकिन उतनी महामारी नहीं है जितना, जब नहीं है हमारा 3 महीने में सारा टेस्टिंग हो गया कि ये बीमारी क्या है, हमारे यहाँ का इम्यूनिटी पावर क्या है, तो ये 6वें लॉकडाउन की तो जरूरत है ही नहीं। मुझे मेरे ख्याल से सारे दोनों तरफ के, हाँ आप ये करो 9 से 5 करो, शाम के समय लोगों को मत घूमने दो, वो एक स्टिक करो, थोड़ा सा एक गाइडलाइन जारी करो, उसके अनुसार पारी सारी चीजें नॉर्मल चालू कर देनी चाहिए। जब तक चीजें नॉर्मल चालू नहीं होती, जब तक कोई आर्थिक परिस्थिति आपकी सुधरती नहीं, और कोरोना से तो निपटना आसान है साहब, आर्थिक परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार की कहां तक, मैं बोलना नहीं चाहता शब्द, पता नहीं। अविनाश सर, जैसे चंदू भाई बोल रहे कि लॉकडाउन तो होना ही नहीं चाहिए, तो क्या लोगों ने बिल्कुल खुले में घूम, वैसे भी हमारी शुरुआत में बात हो रही थी कि अनलॉक रहे या लॉकडाउन रहे, उसकी एक नियमावली होती है, उसका एक GR निकलता है, लेकिन वो GR का फॉलो जो है वो प्रशासन को भी करना होता है, लोगों को भी करना पड़ता है, तो ये समन्वय कहीं दिख रहा है आपको? चलिए आप, मैं आपको ये सवाल इसलिए, आपको एक सामान्य नागरिक के हैसियत से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। सामान्य नागरिक हूँ मैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। डॉक्टर साहब ने जब कही है, देखिए केंद्र सरकार ने तो अनलॉकडाउन की बात कर दी है पहले ही, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है कि हमें कोरोना के साथ में जीना पड़ेगा, और उसी की गाइडलाइन पर सबक चल रहे। अब थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्शन ऐसा आ रहा कि हमने कब कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह रखो करके, हमने कभी नहीं कहा। हम अनलॉकडाउन और लॉकडाउन के बीच की चर्चा कर रहे हैं। लॉकडाउन अभी जो 31st, मैंने पहले मेरे एकदम शुरुआत में कहा कि 11 जिलों में अविनाश जी हम बात कर रहे, होना क्या चाहिए, सरकार ने क्या किया नहीं किया, बल्कि क्या होना चाहिए, लोगों में और प्रशासन का समन्वय कैसे स्थापित हो, वो होना चाहिए, क्या आ रहे ना उसके जी 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 अविनाश, शुरुआत में मैंने कहा कि 11 जिलों में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कंपल्सरी किया है। अब ये 11 जिलों में कौन से एरिया में किया है? अभी दो ही जोन है, रेड जोन और नॉन रेड जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन, ऐसे दो है। जो कंटेनमेंट एरिया रेड जोन में आता वहां पर पूरा लॉकडाउन है। डॉक्टर साहब चाहेंगे क्या कि उस एरिया को भी फ्री छोड़ा जाए? एक सिंपल सी बात है कि नागपुर का एक एग्जाम्पल है, अभी जो चेन बांग्लादेश की जो मिली है
नागपुर में, वो किस वजह से मिली है कि एक स्लॉटर हाउस कंटेनमेंट जोन में का चालू था, वो स्लॉटर हाउस से जो मांस खरीदने के लिए जो लोग जाते थे वो नॉन कंटेनमेंट जोन से लोग कंटेनमेंट जोन में चले गए और वहां से वो मांस खरीद करके लाए और फिर वो पूरा का पूरा एक 100-150 लोगों का चेन बन गया। अभी नॉन कंटेनमेंट जो जोन जो था वहां पर एक बांग्लादेश नाम का एरिया, वो पूरा 150 लोगों का पूरा एक चेन बन गई। तो 350 लोगों की ये क्यों हुआ? क्योंकि वो कंटेनमेंट जोन में कुछ चीजें परचेस करने गए थे। देखिए कैसा है, तो इसलिए अगर हम लॉकडाउन कर रहे, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करते वक्त क्या किया, आदरणीय पंतप्रधान जी ने और बाकी सब लोगों ने क्या किया कि रेड जोन नॉन रेड जोन किया है। अभी नॉन रेड जोन में लॉकडाउन शिथिल कर दिया उन्होंने। अभी हमारे यहाँ तो सारे के सारे दुकान खुले लेकिन दुकान में ग्राहक नहीं। सही बात है। देखिए हम लोग जब अर्थचक्र की बात करते हैं, आज किसकी मानसिकता है घर में कुछ नया लाने की, आप बताइए। बोला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई गाड़ी खरीद कर घर में ला रहा है? नहीं नहीं, ये डिमांड एंड सप्लाई की अगर हम बात करें व्यापारिक दृष्टिकोण से तो इसमें काफी बड़ी गैप है। तीन महीने में बहुत बड़ी गैप टूट गई है। मैं अभी मतलब एक सामान्य नागरिक करके बात कर रहा हूँ। मैं उस दिन मेरे दोस्त के घर में बैठा था और मैं मेरे बच्चे का फ्लावर्स का शॉप है, उसका एयर कंडीशन शोरूम है। मैं ऐसी बात कर रहा था यार कि वो कैटरिंग वालों का क्या होगा, वो मंडप डेकोरेशन वालों का क्या होगा, जिन्होंने फरवरी में सारा मटेरियल परचेस करके रखा और अचानक से लॉकडाउन हुआ, ऐसे उनके ऊपर आएगा। तभी मेरी बात हुई कि मेरे बच्चे ने 1 लाख का माल बनाकर घर पे मेरे उसके शॉप में रखा है। तो वो प्लास्टिक की चीज भी खरीदने में आज लोगों को हिचकिचाहट है कि मैं बाहर की चीज नहीं ले सकता। तो अर्थचक्र कुछ खाली दुकान चालू होने से नहीं होगा। अर्थचक्र तब चालू होगा जब ग्राहक की मानसिकता बनेगी कि मुझे परचेस करना है। आज बेसिक क्या चीज है, आज क्या चल रहा, मेरी नीड क्या, उसी हिसाब से चल रहा है। अरे एक महीने में लोग 15-15 दिन बरमूडा पर घर में बैठे रहे, ये फैक्ट है। हम लोग फैक्ट की बात करते हैं। एक महीने में एक या दो बरमूडा पे घर में बैठे रहे लोगों ने, उनके अभी भी इस्त्री किए हुए कपड़े वैसे भी कबड़ में पड़े, क्योंकि घर के बाहर अननेसेसरी जाना पब्लिक पसंद नहीं करती। देखिए कैसा है, लॉकडाउन पालने वाले 80% लोग है और न पालने वाले 20% लोग। तो 80% लोग जब तक के खुल के परचेसिंग की डिमांड नहीं करेंगे, और अर्थचक्र चलाने के लिए क्या परचेसिंग की आपको क्या दुकान पे जाकर करनी है क्या? आज की तारीख में तो ऑनलाइन सब कुछ चीजें अवेलेबल है, आप पैसे भी ले सकते हैं। हर दुकान अपना खुद का वेबसाइट, हर शॉप ओनर अपना खुद का वेबसाइट भी बना रहा। तो ये सब चीजें हैं कि लोगों की मानसिकता कब कम होगी, लोगों की मानसिकता कब बनेगी, जब वो इस दहशत से बाहर निकलेगा। दहशत से कब बाहर निकलेगा, जब धीरे धीरे वो कोविड का रेशियो कम होते जाएगा। हम अगर कोविड का रेशियो वैसा ही मेंटेन रहेगा हमारा परमानेंटली, हर दिन 40 पेशेंट 50 पेशेंट 40 पेशेंट 50 पेशेंट, तो ये मानसिकता से हम कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। और जब तक हम मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे, हमारा परचेसिंग का जो हमको जो परचेस करना है, हमारी जो दिली इच्छा होती है हमेशा कुछ चीजें परचेस करने की, वो नहीं होगी। और जब तक हमारी परचेसिंग की इच्छा नहीं होगी, इकोनॉमी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आज मेरे घर में ना टीवी खरीदने की इच्छा है मुझे, ना गाड़ी खरीदने की इच्छा है, ना कपड़े खरीदने की इच्छा है। मुझे हेयर कटिंग जाने में भी कटिंग करने के लिए भी जाने में भी हिचकिचाहट होती है। बस मेरी जो डेली नीड की चीजें खाने का वगैरह जो है वो तो वही खाली उसी की मेरी इच्छा है कि मैं लाऊं और घर में कुछ बनाकर खाऊं, मतलब मैं जिंदा रहूं, इस तरीके से मेरी मानसिकता है। एक और अहम श्राप दिया है सर कोरोना ने पूरे समाज को, और वो है बेरोजगारी। हम जब अर्थचक्र को व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं या जरूरतों की बात करते हैं, तो लोगों की जरूरतें अगर होगी भी कुछ दिनों बाद में, जब अगर ये सब कुछ हो गया, लोगों के जॉब चले गए, लोग रास्ते पे आ गए, और अब जब उनको कुछ चीजें खरीदना है, उनको जीवनावश्यक वस्तु की चीजें भी खरीद, तो उनको तो नौकरी तो चाहिए, हाथ में कुछ काम तो चाहिए। गुड्डू जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, कैसे 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 होगा? रत्नाकर जी ने कहा है कि सारी जो परिस्थिति, हालांकि जो मैंने कहा वही उन्होंने भी कहा है, लॉकडाउन और अनलॉक, पहले थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। लॉकडाउन हम किससे कहते हैं, सरकार ने क्या कहा, लोग किस हिसाब से मान रहे। लॉकडाउन यानी प्रशासन की नजर में सिर्फ व्यापारिक प्रतिष्ठान और काम धंधे बंद करना, इसके अलावा लॉकडाउन का दूसरा कोई मतलब सरकार के, बराबर करेक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
जबकि अभी अविनाश जी बात कर रहे थे कि लोगों ने मार्केट में बाहर आना चाहिए, परचेसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। निश्चित में कि आज भी हम भले 5 बजे तक टाइम किया, 3 बजे के बाद पूरी सड़कें सुनसान हो गई थी, क्योंकि ग्राहक किसी के पास में है नहीं। ग्राहक क्यों नहीं है? क्योंकि उसके मन में दहशत बैठा गई। दहशत क्यों बैठा के रखी? कोरोना बहुत खतरनाक है। अरे हमने 3 महीने में कोरोना को पूरा टेस्ट कर लिया, कोरोना हमारे लिए कितना खतरनाक है देख लिया। बात कंटेनमेंट जोन की और नॉन कंटेनमेंट जोन की है, तो कंटेनमेंट जोन की परिभाषा अविनाश जी को सारी पता होगी कि पहले 500 मीटर का कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था, अभी वो आके 5 मीटर पे आ गया है। पहले 500 मीटर का कंटेनमेंट जोन बनाया जाता, पूरा रेडियस 500 मीटर का रहता था, अब 5 मीटर का उसके घर के सामने बासे लगा दीजिए और उसका घर पैक कर दिया जाता। मुझे लगता है उसका घर जब आपने सैनिटाइज कर दिया, सैनिटाइज को आप मानते हैं, पूरा सैनिटाइज कर दिया, उसका घर भी कंटेनमेंट करने की क्या जरूरत है? क्यों सारी फॉर्मेलिटी हो रही है? या तो कोविड को आप समझे नहीं हो, या कोविड का दुरुपयोग हो रहा है, या कंटेनमेंट जोन का दुरुपयोग हो रहा है। ये सारी चीजें कंटेनमेंट जोन में होता है कि हमारे यहाँ पे भी एक जगह कर दिया कि भाई कंटेनमेंट जोन कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं, दूध की दुकानें बंद कर दी, तो क्या घर के लोग उधर के लोग भूखे मरेंगे? जाके दूध की दुकानें खुलवानी पड़ी। और रही कंटेनमेंट जोन की, बेसिकली हम जहाँ की बात करते हैं वही की बात करते हैं कि कैसा चलता है। आपको नागपुर की पूरी व्यवस्था पता है, मुझे अमरावती की पता है, जिसको पूना की पता है। कंटेनमेंट जोन में बाहर से पूरा पैक रहता, अंदर सारा का सारा सब चलता रहा, कहीं ऐसा नहीं रहा। कंटेनमेंट के लोग बाहर भी जाते रहे, आते भी रहे, एक कंटेनमेंट जोन उसका कर दिया, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था उसको पूरा कंट्रोल करने की मैंने 5-7 डिस्ट्रिक्टों में कहीं ना अकोला में देखा, ना नागपुर में देखा, ना यवतमाल में देखा, ना अमरावती में देखा। जब आपके पास में उस चीज की व्यवस्था है नहीं, उसका अनुपालन आप नहीं करवा सकते, तो सिर्फ जनता को तकलीफ देके उससे क्या हासिल होता है? मेरा कहना है कि आप रखिए कंटेनमेंट जोन, रखिए घर, अभी कंटेनमेंट जोन एक घर तक कंटेनमेंट जोन रहता है, पूरा एरिया गली वली नहीं, धीरे 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 हम समेटते चल जाए, हो सकता वैसा ही, वैसा ही होता है। आगे जाके सिर्फ उसका घर का रूम अपन कंटेनमेंट कर देंगे, बाकी घर में भी आना जाना ये होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें अपन रत्नाकर जी ऑलरेडी तीसरे कंटेनमेंट जोन से अपन चर्चा करते हैं, ऐसा अब सरकार करी। अभी मैं बोल रहा हूँ ये आपको 1 महीने बाद वापस दिखेगा, तो इसमें डीले सरकार क्यों कर रही? डीले अपने खुद की अपनी रिसर्च यूनिट बताए, क्यों WHO के पीछे भाग रही है, क्यों WHO के डायरेक्शन में काम कर रही है? और दवाई हमारे पास में सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने की है ना, तो सबको वो दवाई लेने को बोलो ना जाना। यदि ये जिस ढंग से आप बोल रहे हैं कि लोगों में दहशत निकलेंगी जब आंकड़े आना बंद हो जाएंगे, तो साहब 2021 तक भी आपके आंकड़े कम नहीं होते। आप अभी आप मेरे चैनल पर नोट कर लीजिए, 2021 तक आपके यहाँ से आंकड़े आते रहेंगे। ठीक है, मैं आंकड़ों के पहले, मेरा भी पहला सवाल था, मेरा कहा है कि 1.5 साल तक इसकी वैक्सीन आ नहीं सकती, तो क्या 1.5 साल तक आर्थिक व्यवस्था अपन ऐसी रहेगी? नहीं, लेकिन आर्थिक व्यवस्था के लिए मेरा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ भी सवाल था ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इसको दहशत मुक्त नहीं करोगे जब तक कोई रोजगारी की बात, अरे आपके यहाँ कारखाने नहीं चलेंगे, टोटली अनलॉक करने के अलावा कोई पर्याय नहीं है। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि उद्योगपति टाटा ने कहा था 2020 जो है ये जीने के लिए है, तो जहां नहीं तो जान है। हम लोग सब चीज की चर्चा तो बहुत जरूरी कर रहे हैं, बेरोजगारी आपने कहा, बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी सही में बढ़ी हुई है। चाहे जितने 3 महीने में लोगों ने कमाया था, खाया रखा था, वो आज खत्म हो चुका है जी। बेरोजगारी अब लोग काम पे आने की, मतलब लोग काम पे आना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए कि डर है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनसे मेरी दहशत पैसी है कि भैया मेरे को कोरोना फैल जाएगा, लेकिन ये डर भी दूर करना है। डर का दूर करने का काम भी अपना आप सभी का मिलकर गवर्नमेंट का काम है कि लोगों के मन से डर निकालना है, और जब तक डर नहीं निकलेगा तब तक बेरोजगारी का जो सिलसिला है वो दिनों दिन बढ़ते जाएगा। सही बात है, बिल्कुल दिनों दिन सिलसिला बढ़ते जाएगा। इसलिए सब लोगों ने मिलकर सबसे पहले लोगों के मन का डर निकालना है कि कोरोना पूछते, इसके पहले मलेरिया हुआ, इसके लिए हाथी लोग हुआ, इसके पहले बहुत बड़े 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 एग्जैक्टली ये कह रहे महामारी आई इसके पहले, लेकिन आज जितने लोग मरे इससे ज्यादा लोग तब मरे थे जब इतनी डर लोगों में नहीं फैला था, तो इसका भी डर निकालना पड़ेगा। जब तक डर नहीं निकलेगा बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, और आने वाले दिनों में फिर आपको पता क्राइम भी, दिनों में बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अंडर लॉकडाउन जो है इसको कम भी करना चाहिए, और सब में मिलकर एक साथ बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। जो भाई कोरोना के कहर के हम जो बात करें, तो कोरोना के कहर के साथ में आपराधिक मामले बढ़ेंगे। अगर मैं नागपुर की बात करूं तो सर आपराधिक मामले, तो नागपुर में आप अविनाश भाव और आप भी सर इत्तेफाक रखेंगे कि आपराधिक मामले कितने बढ़ रहे हैं? कितने बढ़ गए? नहीं, ये तो कैसा है, आपस में रोज के मुकाबले में मर्डर्स हो रहे हैं, डकैतियां हो रही है। आप देखिए जितने भी अपराधी मामले बढ़े हैं, रत्नाकर भाई और इमरान भाई जी, जो रहते हैं आपसी रंजक के कारण बढ़े, ये बेरोजगारी के कारण नहीं हुए,
ये कोरोना के कारण नहीं हुए, ये जो क्राइम बाहर के लोग छूट के आए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि कोरोना के इसमें पीरियड में जो जिन्होंने 7.5 साल तक सजा पाई है उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन उसमें 7.5 साल से जिसको आजीवन कारावास हुआ है उसको भी छोड़ दिया। उसका क्राइम है कि आपराधिक जो नागपुर में बढ़ा है उसका कारण हो रहा है कि जो आजीवन कारावास जिसको हुआ है वो भी आज पैरोल पे बाहर है। तो कहीं ना कहीं जो हर बार जैसे जैसे स्थिति बदलती गई और निर्णय लेते निर्णय जो रत्नाकर जी जब जेल के अंदर 50 लोगों को कोरोना हो सकता तो क्या लॉकडाउन का महत्व बनता है? जेल के अंदर तो कोई आपका कोई बाहर से आया नहीं गया नहीं, वहां पे भी कोरोना हो जा रहा है। किस तरह के अपन लॉकडाउन की बात करते हैं? जेल में हमारे यहाँ पे अमरावती में जेल में कोरोना हो गया है, पुलिस को समझ में आता है, कैदी किसके संपर्क में आया, वहां तो कोरोना हो रहा है। जी नए नए कैदी आ रहे हैं, इसी चीज पे मैं शुरुआत में था। रत्नाकर जी यूपी में कैसा है? एक मिनट अविनाश सर की बात सुनते हैं, गुड्डू जी आपके पास में आता हूँ। अविनाश सर, आखिर डॉक्टर चंदू सोजत साहब ने मान लिया कि प्रशासन की गलतियां थी, मैं वही बता रहा हूँ। लापरवाही मैं वही बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट अभी जैसा नॉन कंटेनमेंट जोन में डेली नीड्स की सारी दुकानें खुली रहेगी, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर में है नहीं, ऐसा नहीं, हर गवर्नमेंट के ऑर्डर में है, लेकिन उसको ठीक तरीके से पालन करने की वो कंटेनमेंट जोन में जो लोग है, मतलब गवर्नमेंट प्रशासन के इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जो है, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर। वॉच करने वाला कौन है, ये सही हो रहा कि नहीं हो रहा, ये वॉच करने वाला कौन है उनके ऊपर? मॉनिटरिंग अथॉरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। अविनाश जी, इस चीज में हमने 2 महीने पहले भी डिस्कशन की थी कि प्रशासन ने शासन के पदाधिकारियों पूरा पूरा इसमें से अलग कर दिया, उनको कहीं रखा ही नहीं, कहीं किसी से संपर्क ही नहीं रखा। अभी प्रशासकीय पावर जिस अधिकारी के पास आ गया वो अधिकारी बॉस बन गया, जबकि सारी के सारी हर जगह हर एरिया में हर गली में आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यकर्ता मिलेगा जो प्रॉपर बहुत अच्छी वहां की डील कर सकता है लोगों को समझाने की। उन सब लोगों को बाहर रख दिए, सिर्फ डंडे के भरोसे राज चला है तो कहां तक चलेगा? जनप्रतिनिधियों का को लोगों के सामने जाने का मौका ही नहीं मिला, ऐसा चंदू जी कह रहे। सही बोल बात है चंदू जी, है मैंने जो बात रखी है शुरुआत में ही, जी जी, गुड्डू ने भी पहले सेशन में वो डिनाई किया था, गुड्डू भैया योगेश भैया ने और डॉक्टर साहब ने भी डिनाई किया, अब सेकंड सेशन में दोनों वही बात कर रहे। मेरा पहले से मुद्दा ये था कि लॉकडाउन जब था तब भी परिस्थिति भयावह थी, और अनलॉकडाउन में तो अभी सब ओपन ही कर दिया गवर्नमेंट ने, ओपन ही कर दिया जो। और दूसरी बात यह है कि चंदू जी बोल रहे कि हमें गुड्डू जी और चंदू जी ने, मतलब गुड्डू जी ने अलग कहा, चंदू जी ने अलग कहा, पहले गुड्डू जी की बात करता हूँ कि 1891 में प्लेग के साथ आई थी तब 2 करोड़ लोग मरे थे, 1891। अब हम लोग चल रहे उसके 110 साल आगे, उस वक्त ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पुणे में साथ आने के बाद नागपुर के आदमी को पता चलने के लिए 4 महीने लगते थे, तो इसलिए वो 2 साल चली थी वो साथ। लेकिन यहाँ पर तो अभी ऐसा है कि अमेरिका में लोग मर रहे तो कल कितने मरे वो आज हमें पता चलता है, तो हम इसको इस तरीके से लेके नहीं चल सकते कि एकदम ईज फॉर लिविंग एटमोस्फेयर अभी तक नहीं हुआ है, ईज फॉर लिविंग एटमोस्फेयर नहीं होता है। उसके सिम्टम्स उसमें क्या है, जैसे बोल रहे उसमें कोरोना के सिम्टम्स कैसे है, कोरोना कैसे फैलता है, इसकी जो साइंटिफिक जो बातें WHO के द्वारा बताई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 2 दिन में अगर किसी, मतलब कोई मैं किसी के अगर संपर्क में आता हूँ किसी के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के, पहले दिन अगर संपर्क आता हूँ तो मेरे अंदर जो वर्म जो जम्स जाएंगे उसका इंटेंसिटी 2.1% to 2.5% होगा, लेकिन थर्ड डे के बाद में 14 डे के बीच में अगर मैं उसके संपर्क में आता हूँ तो मोर देन 90% 95% के ऊपर मेरे वो उसके जम जो मेरे अंदर जाएंगे, और लास्ट के 2 दिन में फिर 2 से 2.5 फिर उसका रिडक्शन हो जाएगा परसेंटेज का। इसलिए क्वारंटाइन कंटेनमेंट जोन ये बहुत इसेंशियल है क्योंकि उसका फैलाव किस तरीके से होता है। और दूसरी बात ऐसी है कि अभी ये नागपुर की में एक केस निकली, उस पर किसी का नाम नहीं ले सकता, एक एरिया की केस है कि जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण बताया कि वहां पर क्यों नहीं फैले, तो मैंने बताया कि वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया, ये दोनों चीजें मैं आपको बताया था। तो वो पेशेंट आया नागपुर में आने के बाद वो होम क्वारंटाइन हो गया, होम क्वारंटाइन होने के बाद उसको कुछ दिनों बाद सिम्टम दिखाई दिए, तो वो अकेला पॉजिटिव चाहिए था ना, उसका पूरा फैमिली पॉजिटिव मिला। एक पेशेंट है उसके करके 7 लोग पॉजिटिव हो गया, अकेला आया ना 7 लोग पॉजिटिव, यही चीज है।
कि अगर वो सात लोगों में अगर कोई ब्लड ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोमॉर्बिड होगा का पेशेंट, हाँ कोमॉर्बिड होगा, तो उसको उसको बहुत जल्दी वो कोरोना जो है वो बहुत जल्दी उसके ऊपर संसर्ग में आ सकता है। तो ये जो फैक्ट्स है, अब 50% लोग शुगर पेशेंट है इंडिया में, आप कैसी बात कर रहे हैं, रिपोर्ट्स तो है ना 50% लोग शुगर पेशेंट है इंडिया में, बहुत सारी चीजें है। तो इसलिए लॉकडाउन चाहिए कहीं जगह पे, कहीं जगह अनलॉकडाउन चाहिए, बट उसको फॉलोइंग की जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है कि वो उस तरीके से फॉलो कर लेना चाहिए। अभी इकोनॉमी के बारे में ये तो कोई भी बताएगा कि जब तक परचेसिंग नहीं बढ़ती लोगों की, इकोनॉमी डेवलप नहीं होने वाली। अभी तो हम सस्टेनिंग की बात कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट ने जो 3 लाख करोड़ रुपए जो दिए है, मतलब मॉनिटोरियम पीरियड बढ़ाकर दिए है, कि जैसा अभी हमारे हमारे बिजनेस को, अभी मेरे बच्चे को 50,000 रुपए बैंक की तरफ से मिले, 1 साल का मॉनिटोरियम पीरियड लेके उसको 1 साल यूटिलाइजेशन के लिए मिले। जो एंटरप्रेनर्स थे उनको वो पैसे मिले हैं, किस लिए, कि तू सर्वाइव कर, तेरा दुकान चालू रहना चाहिए, तेरा बिजनेस 1 साल तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे नहीं जाना चाहिए, मतलब लॉस में नहीं जाना चाहिए, तू भले ही नो प्रॉफिट नो लॉस पे तू सर्वाइव रहेगा, तो 1 साल बाद जो कंडीशन है हमारी अपग्रेड हो जाएगी, 1 साल बाद हम अच्छे मतलब इससे आगे जा सकते। अभी सर्वाइवल का फेज है, अभी प्रॉफिट मेकिंग फेज नहीं, अभी सर्वाइवल का फेज है, और सर्वाइवल के फेज में सबको चलना है। लेकिन अगर ये कोविड इस तरीके से बढ़ता ही रहेगा तो फिर लोगों में दहशत आएगी, फिर लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, और तब बाकी वापस आना बड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक अवेयरनेस, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिस, सोशल डिस्टेंसिंग, और गवर्नमेंट का उसके ऊपर वॉच। गवर्नमेंट के प्रशासकीय अधिकारी ने, गुड्डू भाई ने तो मेरी बात ही रख दी, पहले उन्होंने डिनाई किया, लेकिन बाद में बात रख दी कि एक आदमी के तरफ अधिकार जाने की वजह से क्या होता है। हमारा भी यही कहना था गुड्डू भाई, हम 5 दिन कंप्लीट कर लो ना गुड्डू भाई, सुनिए ना, कंप्लीट कर लो, करते थे 1 मिनट बोलता हूँ। 3,000 करोड़ जो आए है, 3 लाख करोड़ आपके बेटे को और मेरे बेटे को ही मिले, आम आदमी को कहाँ मिला है, खाली बता दीजिए। फिर वही बात जो है, मैंने क्या कहा, एंटरप्रेनर्स को मिले 3 लाख करोड़ रुपए, एंटरप्रेनर्स को मतलब बिजनेसमैन, जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है उनको मिले है। इसलिए नहीं मिले है कि वो लेके वो पैसा घर में जाए, वो इसलिए मिले है कि उसका बिजनेस सर्वाइव होता रहे। अब मेरे बच्चे के पास तो उसको एम्प्लॉय के देने के लिए पैसे नहीं थे, ये 50,000 आने की वजह से कम वो अपना बिजनेस सर्वाइव कर पा रहा, और यही रीजन देके गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपए दिए है। आम आदमी को तो अलग से पैसा बांटा, उसका हिसाब देने बैठो ना गुड्डू भाई, तो पूरा का पूरा जंत्रीय में हमारे पास में, कि किसके अकाउंट में कितने लोगों के अकाउंट में 500 रुपए गए पर हेड पर मंथ जा रहे, किसको फोकट में आना, ये तो बहुत बड़ी जंत्रीय है, वो उसके ऊपर हमें जाना नहीं है। लेकिन जो बात है, आपने कहा था कि 5 दिन सभागृह चला ना, क्योंकि 4 महीने बाद चला, सभी को कुछ ना कुछ कहना था। और आपने मेरी एक बात मान ली कि जब प्रशासकीय, और चंदू जी ने भी वही बात कही है कि एक ही अधिकारी के पास में सारे के सारे अधिकार कंसोलिडेट कर दिए, तो वो क्या कर रहे, कोई उसको जवाब दे ही नहीं, कोई पूछ नहीं पा रहा उसको, और इस वजह से ये जो सिस्टम है ये महाराष्ट्र में कोलैप्स हुई है, केरल जैसा राज्य इसमें से निकल गया, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य धीरे धीरे निकल रहा, और सब मिलके साथ में काम करने को होना, गुजरात में काम नहीं हो रहा, गुजरात में महाराष्ट्र जैसी स्थिति नहीं है ना। आज 5 लाख आज जो इंडिया में जो लोग है 3.5-4 लाख, उसमें से 1.25 लाख लोग महाराष्ट्र के गुड्डू भाई, इंडिया का 5.5-5.5 लाख है, 5.5 लाख में से एक, जब भी मैंने काउंट किया तो 1,25,000 तो खाली मुंबई और मुंबई के आजू बाजू, बिल्कुल सही बात कर रहा है, 2 लाख के करीब तो महाराष्ट्र है 5 लाख में से, और डेथ भी महाराष्ट्र की ज्यादा है। तो आप दूसरे स्टेट के साथ कंपेयर करते हो, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि वो स्टेट रिकवरी की तरफ जा रहे और हम आगे बढ़ रहे, हमारा रिकवरी रेट भी, हमारा जो फ्लो रेट है वो ज्यादा हो रहा। कल तो महाराष्ट्र में 5,000 पेशेंट निकले ना, टेस्टिंग ज्यादा है ना महाराष्ट्र में, अरे भाई मुंबई को आज कल नागपुर में कितना टेस्ट हुआ बताइए, बोला मेरे पास आंकड़ा है कल नागपुर में कितना टेस्ट हुआ। जो लोग टेस्टिंग, लोग अगर टेस्टिंग के लिए सिम्टोमेटिक रहेंगे तो टेस्टिंग के लिए जाएंगे ना, अगर सिम्टोमेटिक नहीं है तो क्यों टेस्टिंग के लिए जाएंगे बताइए, बोला मुझे अगर कुछ बीमारी नहीं है मैं क्यों जाऊंगा टेस्टिंग के लिए, सीधी सी बात है ना, और मैं टेस्टिंग के लिए गया तो टेस्टिंग हो रहा है। तो ये सब मतलब टेस्टिंग बढ़ रही, क्यों बढ़ रही, क्योंकि लोग उतने हैं इसलिए टेस्टिंग बढ़ रही, अगर लोग नहीं रहते तो टेस्टिंग करने की क्या जरूरत थी, मुझे कोई भी सिम्टम नहीं है और मैं जा रहा हूँ टेस्टिंग कर ले, भाई मेरा टेस्ट करा ले, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम बात दोनों साइड से रखने की कोशिश करनी चाहिए, बस मुझे राजकीय, मुझे उसको पॉलिटिकल टच नहीं देना। मेरा ये मानना है कि पब्लिक 80% पब्लिक जो है वो लॉकडाउन को मान रही है, वो सोशल डिस्टेंसिंग पाल रही है, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग पाल रही है, वो मास्किंग कर रही है, वो सब कुछ कर रही है,
लेकिन 20% पब्लिक जो वो नहीं कर रहे उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 95% लोग मान रहे हैं, 95% 95% लोग पालन कर रहे हैं और 5% जो लोग नहीं पालन करते उनके वजह से फैल रहा है, ये हमने सोच लेना चाहिए। और यहाँ पर प्रशासन ने कड़क नहीं, तो मेरा एक गुटुक ये कहना है 5% लोगों के लिए 95% को तराश क्यों, 5% लोगों का इलाज क्यों नहीं? आपने जैसे कहा कि जो जिससे ज्यादा बीमारी का डर है, जिसको बीमारी का डर है वो 50 साल से 60 साल से ऊपर के लोग, और जिनको किसी न किसी प्रकार की कोई इम्यूनिटी पावर बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो उतने लोगों को कंट्रोल करे ना सरकार। और मैं आपसे वापस पूछना चाहता हूँ, ठीक है आप सरकार के तरफ से नहीं लेंगे, सारी बातें सरकार के तरफ से बोल रहे हैं, सरकार के पास कोई केंद्र सरकार के प्लस प्लान है कि ये कोरोना को हम धीरे धीरे कितने दिन में निकालेंगे बाहर पूरे देश से? प्लान है कि आप हर 8 दिन में आते फिर घोषणा कर देते लॉकडाउन की, फिर आते फिर घोषणा कर देते लॉकडाउन की, कोई फुल प्रूफ प्रॉब्लम है कि भाई ये फेज में ऐसा होगा, ये फेज में ऐसा होगा, इतने दिन लॉकडाउन पहले था, कहीं ऐसी आज तक कोई प्लानिंग करी है कि अब आने वाले लॉकडाउन में क्या करना है अपने को? चलो मैं महाराष्ट्र की गुजरात की इसकी बात नहीं करता, मैं देश की, पूरे देश मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में क्या, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़ दो साहब, मुंबई अपना अलग स्टेट है, मुंबई की हम तुलना पूरे देश में किसी से नहीं कर सकते। दिल्ली और मुंबई दो देश ऐसे, दो शहर ऐसे, दोनों शहर ऐसे, तुलना किसी से अपन नहीं कर सकते। ये तो आप इससे तुलना मत करोगे मुंबई में क्या हो रहा, दिल्ली में क्या हो रहा, बाकी जगह की बात करिए कि आप किस प्रकार चल रहे, क्या पूरा महाराष्ट्र बेकार है? दिल्ली मुंबई छोड़ के, दिल्ली का एरिया छोड़ दो, पूरा महाराष्ट्र में आपको लगता है नागपुर अमरावती अकोला ठीक है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है यहाँ पे करके? ये तो सब चलना है। मेरा कहना है कि जब हर बार आप लॉकडाउन बुला रहे, एक कोई प्लान होना चाहिए कि हमारे इस लॉकडाउन में हमारा ये कोरोना को अचीव करना है हमको, इसका कोई प्लान है? इसकी प्लानिंग है? WHO तो रोज अपनी जबान बदलते गया सर, पहले बोलता मास्क लगाना जरूरी, फिर बोलता मास्क लगाओ, अभी सारा रहा सैनिटाइजर, ज्यादा हाथ में लगाओगे तो कैंसर होने का खतरा है आपको, कहां तक जाएंगे लोग, किस किस चीज को? ज्यादा देर तक मास्क लगाओ तो वही सांस अंदर जाती है, उससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने की तैयारी, कई लोगों के अलग अलग आ रहा है इसमें। सही बात है, मास्क को दिन भर पहने रखना ये अपने आप में एक तकलीफ वाली बात है। तकलीफ देखिए, कोरोना के साथ में जीना वही अपने आप में एक तकलीफ है, लेकिन अभी अभी जैसे आपने कहा चंदू जी कि क्या सिस्टम क्या फॉलोअप के साथ में हम लोग अनलॉक या लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, जैसे आज घर में रहे एक तारीख से, चलिए हम कंक्लूजन की ओर भी चल रहे हैं। मैं सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ कि लॉकडाउन जो है अभी 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है, उसकी नियमावली वही है जो आज अपनी परिस्थिति में है, जो ऑड इवन डेज के हिसाब से बिजनेस चलते रहेंगे, कुछ बिजनेसेस को रियायतें दी गई है, तो इन सब के चलते एक तरफ कोरोना के साथ में हम जीने की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं। एक अहम मुद्दा मैंने जो उठाने की कोशिश की थी उसको आपने डर में तब्दील कर दिया कि डर के वजह से लोग जॉब पे जाना नहीं चाह रहे, लेकिन जॉब है भी नहीं, ये भी एक अपने आप में सच्चाई है कि लोगों के पास में जितने भी प्रतिष्ठानों ने कई मायने में अगर 100 लोग होंगे तो वो सिर्फ 15% की कैपेसिटी से लोगों को से बिजनेस चला रहे हैं। तो ये जो बचे हुए जो 55 और 60% के लोग हैं जिनके पास में रोजगार नहीं है, वो अपनी जिंदगी आने वाले समय में कैसे चलेंगे? रत्नाकर जी, वही लोग को डर है जिसके घर में खाने को है, जिसके 2 टाइम के पेट भरे हुए है। आप आइए हमारे अमरावती में जहाँ मजदूरों का सुबह बाजार भरता है साहब, 200-300 मजदूर डर सबको है, जॉब वही बोला, जॉब उसकी दहशत बनाई गई है, लेकिन जिसको पेट की आग लगी सब दहशत नहीं मान रहा, जब वो नहीं मान रहा उसको कुछ नहीं हो रहा है। बैंक की लाइन में आप लोग बताते कि सैकड़ों लोग लाइन से खड़े, सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन टूट रहा है, कितने लोगों को कोरोना हो उसमें से जो लाइन में खड़े रहते, कोरोना किसको हुआ? कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही, जैसे बताया कि कहीं एक जगह से उन्होंने मीट खरीद के ले आया, वो कोरोना संक्रमित था उसको सब, तो ऐसी कहीं ना कहीं गलतियां, इसके लिए पूरा देश क्यों भुगते? मेरा बहुत स्पेसिफिक कहना है, मैं बात ये कर रहा हूँ कि 13 करोड़ नौकरियां गई है वो डर के। आज शुरुआत में जब कोरोना आया तो डर कोरोना का था, डर कोरोना से डर था, आज कोरोना तो चल रहा है लेकिन डर तब्दील हो गया ना सर। आज मैं बाहर जाता हूँ लेकिन मेरे पास में नौकरी, मेरे को नहीं है ना डर, लेकिन बाहर जाके नौकरी तो मैं करूंगा क्या? रत्नाकर जी, कोरोना का डर निर्माण करके बाकी सारी जितनी पूर्ति करनी थी सरकार को, उससे सरकारों ने मुक्ति पाली है, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, कोई पूछता नहीं उसको, चलेगी 13 करोड़, हम उसमें लड़ रहे हैं, आने की तो छोड़ो,
तो ये कर हम कम कैसे करेंगे? नहीं, सरकार जब तक इसका प्लानिंग नहीं करती कोरोना से लड़ने के करने के, अरे गई ठीक है, ठीक है चंदू जी, मैं तिवारी जी से पूछूंगा सर, कुछ कुछ है महाराष्ट्र सरकार के पास में ऐसा कुछ प्लान है कि जितने लोग बेरोजगार, जैसे महाराष्ट्र की बात करें कई लोग बेरोजगार हो गए, कि कैसे हम ये परिस्थिति से रोजगार की कुछ अवसर है, कुछ दिख रहे आसार? जैसे थे वैसे सभी के है। जब तक, मैंने पहले ही बोला कि जब तक डर नहीं जाएगा तब तक रोजगार नहीं जाएगा, रोजगार नहीं मिलेगा। आज भी रोजगार, जैसे जैसे मैं होटल लाइन में हूँ, आज मेरे पास 300-400 लोग काम करते हैं, उनके जॉब तो जैसे के वैसे है, लेकिन उनको जब मैं बुलाता हूँ तो डर के कारण आ रहे नहीं है, उनके मन से डर निकालना। 400 लोगों का जॉब जैसे का वैसा मेरे पास रखा हुआ है, आज मेरे पास 400 लोगों का जॉब है तो बाकी लोगों के पास भी जॉब होगा, लेकिन पब्लिक के मन का डर नहीं निकलेगा तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। रोजगार खत्म नहीं हुआ, रोजगार आज भी है। आज पूरा गुड्डू भैया, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने एक सेगमेंट की बात की, जैसे बाकी सेगमेंट की बात जिसकी डिमांड ही रुक गई है, जैसे बोला अविनाश जी ने बोला ऑटोमोबाइल पे कोई गाड़ी लेने को तैयार नहीं, होटल की बात की, अगर एक होटल छोड़ दिया जाए बाकी होटल पे जैसे अनलॉकडाउन है, 4 महीने से कोई धंधा नहीं है, तो वो अपने उतना स्टॉक कैसे पालेगा? 800 लोगों का, 400 लोगों का आपके पास है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आपका होटल अच्छा काम कर रहा है, आप इतना जी ऑटोमोबाइल ऐसे बाकी के जो होटल पूरी तरह से जो बंद है वहाँ कोई रह नहीं रहा है, जैसे टूरिज्म का अगर सेक्टर पर मैं देख लूँ तो कई बसें खड़ी हो चुकी है, तो वहाँ के जो ड्राइवर्स लोग हैं, कई जो बेरोजगार हैं, उनका क्या? इमरान जी आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ऑटोमोबाइल्स की लाइन की आपने बात किया, क्या गाड़ी आज भी रोज खरीदता है? नहीं, गाड़ी आदमी रोज खरीदता है, जो फ्लो था, फ्रिज या टीवी आदमी रोज खरीदता है, रुका है, देखिए ट्रैवलिंग रोज करता था, 3 महीने रुकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नेसेसरी जो चीजें है, जैसा होटल लाइन हो गया, ट्रेवल्स की बात, बसेस की बात की, ट्रांसपोर्टिंग की बात किया, ठीक है ट्रांसपोर्टिंग रुक गया है, इसलिए रोका है गवर्नमेंट ने भी, कि भैया ज्यादा ना फैले, ज्यादा फैलेगा तकलीफ किसी को होगी, आप और हमको तकलीफ होगी। एक सवाल आपको पूछना चाहूंगा, जिस तरह से अनलॉक की ओर जा रहे हैं, आपका अपना आज का जो विषय था अनलॉकडाउन 2, जिस तरह से शासन जो नियम बना के शुरू कर रहा है, उस नियम के अनुसार जो 11 जिले के बात कर रहे थे हो या वो, तो उस नियम के अनुसार नागरिक उसका पालन कर रहे हैं क्या? इसके लिए हमने क्या प्लानिंग की है? अनलॉक अपने को तो खुलना है, मार्केट खोलना बहुत जरूरी है ना, जब तक मार्केट खुलेगा नहीं, अर्थव्यवस्था अपनी चलेगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। इमरान भाई, मार्केट खुलने से कुछ नहीं होगा, लोगों को कोरोना का भय निकालना पड़ेगा, उसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, सरकार के तरफ से कुछ ऐसे प्रॉमिस है सारे, ये सरकार को अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, WHO की गाइडलाइन के भरोसे नहीं, अपना खुद का करना पड़ेगा। जब तक आम आदमी के मन में से डर नहीं निकलेगा कि भाई ठीक है मेरे को कुछ हो भी गया तो सरकार पूरी व्यवस्था मेरे को सुधारने की, जब तक ये डर नहीं निकालता, सरकार बोले ना कुछ जो कोरोना होता हम ठीक करके देंगे, साहब देखो कल से रोजगार खुलते, रोजगार दुकान खोलने से क्या होता है? नहीं, कोरोना ठीक सरकार नहीं करेगी ना, कोरोना के लिए तो वैक्सीन लानी पड़ेगी। रत्नाकर जी, इमरान भाई कैसा है? हाँ, डेढ़ साल तक आने वाली नहीं है, सब WHO ने कहा है। इमरान भाई, डेढ़ साल तक आने के बाद उसको 2 साल और लगते हैं। पब्लिक का भय निकालना है, निकाल सकता है गवर्नमेंट, वहां से बोल के भय नहीं निकाल सकती। यहाँ जो जनप्रतिनिधि है, जो लोकल नेता है, इन्होंने अपने अपने एरिया में जाके लोगों को बताना चाहिए और वहां से भय निकालना चाहिए। बिल्कुल, ये पहले बिना सरकार की गाइडलाइन के आप कैसे कैसे जनप्रतिनिधि कर लेगा कोई भी जाके? सरकार की गाइडलाइन नहीं रहेंगे कैसे? अरे सरकार की गाइडलाइन चाहिए आपके पास में, साहब ऐसे कैसे चल जाए? आप बोलो कोरोना बाहर के लोग, आप किस किस चीज के भरोसे बोलोगे? आपके पीछे कॉन्क्रीट कारण तो चाहिए, कोई प्लानिंग तो चाहिए। आपने बोल दिया 3 महीने के बाद, आप बोलो ना कितने महीने ऐसे रहना है कि और साल भर रह जाए, साल भर बाद आप बताओ क्या होगा करके, है कोई के पास प्लानिंग साल भर बाद का भी? साल भर बाद का पूछ रहा अभी का नहीं। बिल्कुल, अगर मैं नागपुर की बात करूं तो नागपुर में जैसे चंदू जी ने बोला कि प्रशासन ने, जैसे मुंडे जी ने कितने जनप्रतिनिधियों को अपने साथ में लिया, याद तक कि नितिन गडकरी जी ने 2 दिन पहले बोला कि मैं नाराज हूँ, खासदारों को अपने संपर्क में नहीं लिया। अविनाश, वो क्या बोलेंगे इसमें? मैं आपके आपके सवाल पे आता हूँ। दो तीन चीजें जो कही है डॉक्टर साहब ने और बाकी सब लोगों ने, देखिए हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 3-tier सिस्टम है, एक तो हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटी। अब केंद्र सरकार की जो पॉलिसी बनाना काम है, इम्प्लीमेंटेशन केंद्र सरकार का काम नहीं, पॉलिसी डिसाइड करना केंद्र सरकार का काम है। वो अनलॉक डाउन जाते वक्त उन्होंने पॉलिसी बनाया, एग्रीकल्चर सेक्टर को सस्टेन करने के लिए कुछ नए कुछ रूल्स डिसाइड किए, उनके लिए कुछ मार्केट्स ओपन किए, इंटरनल लोकल मार्केट्स ओपन किए उनके लिए।
बाद में वही पॉलिसी को लेके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ वही पॉलिसी आती है सेकंड पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने जो ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है या फिर वहां की जो लोकल सिचुएशन है उसके हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करती है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसी डिसाइड करती है वो देती है लोकल अथॉरिटी को, और उसमें एक लाइन लिखा रहता है कि आपके यहाँ की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप काम करो ग्राउंड लेवल पे। ये टोटल फ्लो ऑफ वर्किंग है इन सब इसमें। अब होता क्या है कई बार कि हम लोग मतलब बात करते हो इसने क्या किया उसने किया उसने क्या किया ये किया है, इस टाइप से बात होती है। अब अनलॉकडाउन 2 के आज के जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया, उन्होंने अभी तक फ्रेम ऑफ रूल अभी तक कुछ बाहर निकाला नहीं, मेरे ख्याल से वो आज शाम तक आएगा। इमरान भाई अभी तक तो हम तुम आपके भी पास आया नहीं मेरे भी पास आया नहीं, उन्होंने घोषणा की है कि हम लोग अनलॉकडाउन 2 की तरफ जा रहे हैं, उसका फ्रेम ऑफ रूल वो निकालेंगे, बस उन्होंने मोगम बोला कि हम 11 जिलों में छोड़ के धीरे धीरे करेंगे, तो वो आने के बाद उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं ये सब इसमें। अब रहा लोगों को धीरे धीरे आदत होगी, एक दिन में नहीं होता डॉक्टर साहब, एक दिन में नहीं होता। और ये आप मेरी बात आपने की कि दुकान खोल के क्या करेंगे, दुकान मैं अगर मेरा लड़का मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा अगर लड़का कोई फूल वाला है, एक आदमी फूल वाला है, उसकी फूलों की दुकान है, एसी वगैरह लेके बैठा है, वो उसकी दुकान में ग्राहक नहीं है तो एसी का बिल कहाँ से भरेगा, वो नौकर का बिल कहाँ से भरेगा। और हमारी जो इंडस्ट्री है वो अलग अलग सबकों में बटी हुई है, देखिए क्लॉथ इंडस्ट्री अलग है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अलग है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अलग है, सर्विस इंडस्ट्री अलग है, सेल्स इंडस्ट्री अलग है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अलग है, हर अलग अलग तबके के लोग है अपनी इंडस्ट्री में। आज क्या है, आज सेल्स इंडस्ट्री में है, सेल्स इंडस्ट्री में कौन सा जो इसेंशियल कमोडिटी है वही सेल्स इंडस्ट्री चल रही है। किराना दुकानदारों ने बहुत कमा लिया, सब्जी वालों ने, कई ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने काम धंधा नहीं था तो मार्केट से सब्जी का अपने एरिया में ऐसे छोटे छोटे टपकों में सब्जी की दुकान लगा के बिजनेस किया है। अभी कैटरिंग सर्विसेज नहीं चल पाएगी ना, क्योंकि अगर शादी में लोग ही नहीं आए तो उसको जो 2000 लोगों का ऑर्डर मिल रहा था अभी कहाँ से मिलेगा, वो तो उससे अटैच जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट कम्प्लीटली हमारी कोलैप्स हो चुकी है। उसके बाद में डेकोरेशन अपनी ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है हमारी, उसमें भी वही सिचुएशन है। सब इंडस्ट्री में क्या है कि जिस टपके के बारे में डॉक्टर चंदू जी बोल रहे हैं वो टपके को सर्वाइव करने के लिए हमारे पास अभी कोई सोर्स नहीं, उनको चलाना पड़ेगा हमें धीरे धीरे, वी हैव टू कैरी देम, क्योंकि उनको कैरी करने के अलावा हमारा कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि हम कैटरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब हमको अभी कहीं ना कहीं सस्टेन ही करना पड़ेगा अभी, ये दिस इज द पीरियड ऑफ सस्टेनिंग, इसलिए वर्ल्ड बैंक भी हमें सस्टेनिंग, आज जो कुछ चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी क्या, और कोरोना किसी सरकार ने लाया क्या, नहीं लाया, वर्ल्ड इकोनॉमी में सस्टेनिंग की ही बात हो रही है। अभी बेरोजगारी जब तक ये लोगों के मन से नहीं हटाता ही है, गुड्डू भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जनप्रतिनिधियों को जाना पड़ेगा, खाली जनप्रतिनिधियों को नहीं जाना पड़ेगा, प्रशासन को भी उसमें साथ देना पड़ेगा कि डॉक्टर वही नहीं हुआ कि जनप्रतिनिधियों के जाने की इच्छा के बावजूद प्रशासन के कहीं ना कहीं जो लगाम थी उसकी वजह से शायद जनप्रतिनिधि लोगों तक उस तादाद में नहीं पहुंच पाए, और अगर ये होता तो शायद लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों की बात मानने से अच्छा जनप्रतिनिधियों की बात लोग आसानी से मान जाते थे। देखिए पीरियड भी काउंट करता है, कितने 90 दिन का पीरियड है हमारे यहाँ पर, मार्च महीने में फर्स्ट पेशेंट मिला है हमें, मार्च अप्रैल मई जून मतलब करीब 100 दिन का पीरियड है, 100 दिन का, ये 100 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, 100 दिन में से तो 50-60 दिन तो समझने में लगे हमको कि क्या है। अभी कहां पर हम लोग वो फेज में आ रहे धीरे धीरे कि समझ रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला अब हम लोग समझ रहे हैं कि कोरोना जानलेवा बीमारी नहीं है, बट अभी हमें आदत धीरे धीरे हो रही कि मास्किंग करके जाना है, ग्लोथिंग करके जाना है, सैनिटाइजेशन करना है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे को जिंदगी में मैंने हाथ मतलब ये मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, मेरा बच्चा वैसा नहीं तो आप बोलेंगे सारे के सारे संस्कार अविनाश के बच्चे में नहीं है, लेकिन मैं अपने ऊपर से एग्जाम मतलब अपना नाम लेके दे रहा हूँ कि हर घर के बच्चे जो यंग जनरेशन थी वो बाहर से आने के बाद कभी हाथ वगैरह नहीं धोती थी, अभी हाथ धोने लग गई, हर चीज बदल गई, डिसिप्लिन हो गए। और ये डिसिप्लिन के साथ जैसे जैसे हम लोग जाएंगे और धीरे धीरे वो पेशेंट की मिनिमाइज होते जाएंगे ना, वैसा वैसा वो उसका डर निकलते जाएगा। जैसा अगर लिस्ट है कि आज 19 पेशेंट निकले हैं तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी क्या रहती है, मैं इमरान भाई को फोन करता हूँ, इमरान भाई कहाँ के निकले, तो ये जो क्यूरियोसिटी है ये क्यों है कि कहीं मेरे घर के बाजू का तो नहीं निकला, ये जो लोगों मन में है, तो ये सब हटाने के लिए वो फिगर भी कम होने को, फिगर कम होने के लिए लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में बहुत इसेंशियल है।
कंटेनमेंट जोन में अगर हम लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे तो फिगर बढ़ता जाएगा, गट्ठे से लोग आते रहेंगे। नागपुर में 3 हॉटस्पॉट बने, मोमिनपुरा, सतरंगीपुरा और फिर अभी ये बांग्लादेश। ये क्यों बने? क्योंकि वहां पर वो सारी चीजें नहीं पाली गई। अगर वो पाली गई रहती तो कंटेनमेंट जोन नहीं बनता था। अगर वो 3 अगर बड़ी हॉट चेन नहीं बनती थी तो आज नागपुर में 200-250 के ऊपर लोग नहीं रहते थे। ये फैक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगारी हटाने के लिए, अभी बेरोजगारी को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री स्टार्ट होने के लिए लोगों की दिली इच्छा होनी चाहिए कि मैंने ये चीजें परचेस करनी चाहिए, और जब तक डिमांड बढ़नी चाहिए। हाँ, डिमांड बढ़नी चाहिए, और डिमांड तभी बढ़ती है जब मनुष्य का जो चित्त है वो शांत रहता है, उसको लगता है, उसको खुशी होती है कि चलो खुशी के लोग खुशी में खरीदते, लोग गम में नहीं खरीदते, लोग खुशी में खरीदते हैं। तो लोगों में वो खुशियां धीरे धीरे आए, इस टाइप का वातावरण ये क्रिएट हो, और ये क्रिएट करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वन साइड हमें नहीं जाना चाहिए, एक गलत डिसीजन सारे देश को और 100 साल पीछे ले जा सकता है। आज हम मानना कि आज हम 2-4 साल पीछे चले गए, लेकिन वहां से वापस आने की संभावना है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी पॉपुलेशन, हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, और ये मार्केट की वजह से सारी दुनिया अभी हमारे तरफ देख रही है, चाइना को छोड़ के सारी दुनिया हमारे तरफ देख रही है। और जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट ने, जो सिचुएशन हमारे यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से अपने आप को संभाला है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 95% लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, इसलिए हम सस्टेनेबल कंडीशन में है। अगर ये कंडीशन हाथ के बाहर निकल जाती है तो हमें वापस आने के लिए फिर 100 साल लगेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सब चीजें जो है वो बराबर कोऑर्डिनेशन में चलनी चाहिए, प्रशासन, नागरिक, गवर्नमेंट, ये सारी की सारी चीजें, और व्यापारी भी। एक प्रॉपर समन्वय होना चाहिए, प्रॉपर समन्वय होना चाहिए। एक्स्ट्रा वैगेंसी नहीं होनी चाहिए किसी चीज में। अननेसेसरी मुझे लॉस हो रहा है इसलिए लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, अगर मैं वो लॉस अगर सहन करने की कैपेसिटी रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों ने वो सहन करने की भी जरूरत है आज की तारीख में, क्योंकि हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि टाटा जी ने कहा था कि अभी हमें जीना है, जब जिएंगे तो फिर हम बहुत कुछ आगे ले जा सकेंगे। इसलिए ये जो सिचुएशन है ये थोड़ा सा हमारे लिए एक अड़चन वाली सिचुएशन है, एक डायलेमा, या हम ऐसे कहेंगे कि एक बीच वाली सिचुएशन, कि हम इसके हम कहां जाएंगे इसमें, हमें भी पता नहीं। बिल्कुल। और एक अच्छी बात है कि देखिए, अभी इसके पहले पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में लॉकडाउन था, अभी धीरे धीरे वो डिस्ट्रिक्ट है वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे। जैसा जैसा हम लोग आते जाएंगे वैसा वैसा, मुझे लगता और कुछ समय इसमें लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। सबको समन्वय के साथ में हम लोग काम करेंगे। मुझे लगता है आने वाले दिवाली के बाद में हम लोग अचानक से इतनी बड़ी हाइक ले लेंगे कि वी विल बी ऑन द वेरी पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव वे से, बिल्कुल पॉजिटिव, हम विल बी ऑन द टॉप एट दैट टाइम। सो आई थिंक दैट वी शुड सस्टेन, वी शुड गो इन द कॉम्प्रोमाइजिंग, दिस इज द सिचुएशन वेयर वी ओनली वी कैन सस्टेन। वी हैव जस्ट स्टार्टेड टू कम आउट ऑफ द कोरोना, वी हैव जस्ट स्टार्टेड टू कम आउट ऑफ द कोरोना। Now the people are realizing that कि वहाँ पर उसमें death rate कम है, तो इसलिए हम अपने आप को secure समझने लगे। इसको और थोड़ा समय देना पड़ेगा, और मुझे लगता है 2-3 महीने बाद ये situation control में आ सकती है। ठीक है अविनाश जी, मैं आप सीधा गुड्डू सर के तरफ में चलूंगा। सर, आपकी कंक्लूजन टिप्पणी चाहेंगे कि आने वाली स्थिति और बेहतर हो, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? मैं तो जब से बोल रहा हूँ, अविनाश जी ने तो बहुत अच्छा कहा है वैसा, और मेरे बड़े भाई साहब है तो उनकी बात पे ख्याल देना चाहिए। दूसरी बात ऐसा है कि सबसे पहले तो डर निकालना, भय निकालना जरूरी है। चंद्रजी ने कहा कि सबसे पहले भय निकालना जरूरी है, और आने वाले दिन अच्छे आएंगे। इच्छा ऐसा 2020 के बाद 2021 जो आएगा बहुत अच्छा आएगा, और अपन जितने हाइट पे जाएंगे अपने को ही पता है, जितना अपना मनोबल बढ़ेगा उतना अपन आगे तरक्की कर पाएंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि सभी से कहना चाहूंगा कि आने जो भय अपने मन में भय निकाल दीजिए, और कोरोना से झगड़ के आप आगे आइए। चंदू सर, नहीं, डर निकालने की बात भले ही मैं बोल दूं, लेकिन डर निकालने की बात मैं करूंगा नहीं। डर होना चाहिए, लेकिन आदमी लापरवाह नहीं होना चाहिए। डर निकाल लीजिए, लेकिन लापरवाह, क्योंकि क्या है, लापरवाह और गैर जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार जो लोग हैं उन्होंने ये सारा का सारा कोरोना का पूरा, चाहे मैं किसी चीज पे नहीं जाता लेकिन कोई एरिया में नहीं, लेकिन जहाँ गैर जिम्मेदार लोग थे उन्होंने कोरोना को बढ़ाना दिया। यदि गैर जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी समझ लेते, जैसे बताया कि मैंने 2-3% लोग पूरे देश में निकलेंगे जो गैर जिम्मेदार है करके, उन लोगों को यदि कंट्रोल कर लिया जाए, और जैसा कि हम लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन, ये सब किस चीज के लिए, सिर्फ एक कारण, मैं तो ठीक है पहले बोल दिया कि मैं व्यापार बंद करने के लिए लॉकडाउन होता है, लेकिन भीड़ नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी इनकी है, भीड़ के कारण कोरोना आता ऐसा मानना है।
तो हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान सब्जी वालों की गाड़ियों पे इस पे मार्केट में अनाज मार्केट में सब जगह भीड़ रही, उनको कोरोना क्यों नहीं है? सरकार ने इस पे रिसर्च करना चाहिए कि उनमें क्या ऐसी बात थी कि उनको कोरोना का अटैक नहीं हो पाया है, तो उस चीज को प्रोसेस को लेके। डॉक्टर साहब आप अमरावती से है, आपके अमरावती का कोरोना का प्रसार और प्रचार ज्यादातर वो पान की टपरी से हुआ है, वो कौन सा एरिया था वो जहाँ पर वो जंगली ऐसा कुछ एरिया था, चंदू जी आपने बताया था। हाँ वो कोई एक पान शॉप है वहां से, वहां तब तक आपका अमरावती का कोरोना का जो प्रभाव प्रसार था, हाँ, संक्रमण जो था वो कम, वहां से जो चेन बढ़ रही ना वो अभी कंटिन्यू चल रही है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं चेन देखिए, पहला जो मरीज निकला था अमरावती में, पहले मरीज का उसका जोड़ का किधर, पहले मरीज का दूसरे मरीज का कहीं संपर्क नहीं है, कौन किधर से आया कहाँ से आया, यानी पान की मैं वो पान की जो बढ़ोतरी स्प्रेड जो हुआ बाद में कम्युनिटी स्प्रेड किया। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ये है कि नागपुर और अमरावती में डिफरेंस क्या बताते हो, नागपुर में स्पेसिफिक कंटेनमेंट जोन है 95 कंटेनमेंट जोन है, जो काफी सारा एरिया नॉन कंटेनमेंट जोन में अभी नागपुर का, मतलब मैं तो कहूँ कि 70-80% एरिया नॉन कंटेनमेंट जोन में नागपुर का। लेकिन जब मैं न्यूज पढ़ता हूँ तो अमरावती में मैक्सिमम एरिया जो कंटेनमेंट जोन में, पेशेंट्स कम है लेकिन हर जगह पे मिल रहे हैं, 145 कंटेनमेंट जोन है नागपुर में, 145 मैंने बताया ना, हमारे यहाँ कंटेनमेंट जोन है ना, मेरा घर कंटेनमेंट जोन हो गया, वो एक जोन बोलते हैं, एक घर को जोन बोलते हैं हम यहाँ पे अभी। नहीं जोन की अभी सारी कंटेनमेंट जोन की परिभाषा सारी बदल गई है, सारी की सारी परिभाषा, जहाँ थोड़ा सा लगता है बढ़ने रहा हॉटस्पॉट बना है वहां के लिए थोड़े से प्रिकॉशन। नहीं मैं डर किस चाहे, डर अपने उससे नहीं लगे, डर इस डर में आदमी निकालने के चक्कर में लापरवाह ना हो जाए कि मेरा क्या होगा, ये जिम्मेदारी सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हर आदमी ने निकला मेरा क्या। और भीड़ मुझे आज भी लगता है कि भीड़ से कोरोना नहीं बढ़ता, आपकी लापरवाही रही तो कोरोना, भीड़ में आप चलिए साहब, अपना जो आपको गाइडलाइन दी हुई है आपको सिर्फ मास्क लगाना, एक चीज से आपको एक चीज लगानी है, आपको सिर्फ एक चीज मास्क लगा के चलो, यदि आपको बीमारी है नहीं है मास्क लगा के चलो, हम कम से कम नहीं तो 60% सिर्फ मास्क लगाने से कवर कर सकते हैं 60% लोगों को, ठीक है बाकी और कुछ हो भी सकता, मास्क गलत लगाने में सही लगाने में, एक मास्क के कारण लगाइए ना, मास्क लगाइए। लेकिन जो अभी क्वालिटी का भी कुछ जिस ढंग से मार्केट खोलने की बात है, एक साइड का बंद एक साइड का चालू, भीड़ से कम नहीं होती था इसकी भीड़ में, दोनों साइड के मार्केट खोलने में भीड़ फर्क पड़ता है, सिर्फ पार्किंग का, पार्किंग के लिए आपके प्रॉपर व्यवस्था है, चाहे अमरावती हो नागपुर हो अकोला कहां पे भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सारी पार्किंग प्रशासन ने बेच डाली है पूरी की पूरी, पार्किंग की व्यवस्था ये आगे भी रहनी है, आगे नहीं ये आप हंसने की बात, ये सब जगह की बात है, मैं कोई अमरावती की नहीं ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ। इस पर सर ये पूरा चर्चा का अलग विषय हो जाएगा, प्रशासन की व्यवस्था पर। मैं समय की कमी इसलिए बोल रहा हूं, व्यवस्था की बात ही बोल रहा, व्यवस्था ये सिर्फ व्यवस्था ही बराबर रहती है कि जो कंटेनमेंट जोन पड़ी है उसका अनुपालन करवा लेते तो शायद आज हम लोग पूरे अनलॉक की पोजीशन में होते, पूरे भारत में, अमरावती अकोला नागपुर नहीं सब पूरे देश में कहीं ना कहीं इसका कहीं तो लापरवाही हुई है, वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और उस लापरवाही के लिए साहब जिस अधिकारी को उस एरिया का इंचार्ज बनाया जाता उस पे पेनल्टी के आपने उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आप उसको तो छोड़ देते हो, पकड़ते हो उसको जो गलती से उस गली में घुस गया। नागपुर में ये नागपुर के इसलिए नागपुर में 5 दिन के सदन में इसके ऊपर काफी आवाज उठी है, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी जाएगी साहब, ये आप साल भर तक आप रोज गिनते रहो, आज 12 हो गए ठीक है, आप किसी को इंटरेस्ट नहीं है, आपके यहाँ तो भी इंटरेस्ट है कि कहाँ का निकला, निकल गया ना ठीक है होगा, उसके घर का पहले निकले था, अभी लोगों का इंटरेस्ट कम होता है इसमें। चंदू जी थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा ये हो रहा कि जो नीचे में कोविड योद्धा करके जो काम कर रहे हैं वो बहुत अप्रिशिएबल काम की, जैसे बिल्कुल 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 सफाई कर्मचारी डॉक्टर ये बहुत अच्छा काम किए, बिल्कुल साहब मैं खुले में बोल रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ दो लोग सफाई कर्मचारी और डॉक्टर, बाकी सारे लोग लिस्ट में से निकाल दीजिए, पुलिस में भी अच्छा, सारे लिस्ट में से निकाल दीजिए लिस्ट में से, हमारे यहाँ पे नहीं बोलने की जरूरत नहीं, निकाल दिए साहब, सिवाय ट्रैफिक पे पैसा वसूल करने के अलावा पुलिस ने कुछ नहीं किया, प्रशासन में अगर दो लोग खराब है तो पूरा प्रशासन खराब नहीं हो जाता, नहीं साहब वो तो कैसा है, चंदू जी की धारणा वो बन गई है, ठीक है मैं अभी इमरान सर के पास में आऊंगा, इमरान जी आपके कंक्लूजन टिप्पणी, रत्नाकर जी जितने संक्रमित इसमें पुलिस में हुए है, जितनी मौतें पुलिस में हुई है, पुलिस का डायरेक्ट संबंध आता था, बाद में डॉक्टर और बाकी स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस का, हाँ चलिए उनका भी देना, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने भी शुरुआत में उन्होंने भी जी 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 बिल्कुल उनको भी इसलिए देना चाहिए। इमरान जी जिस तरह से अपन अनलॉक डाउन 2 की ओर जा रहे हैं, शासन हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो कोई भी पार्टी हो, शायद देश खोलने के लिए ही जा रही है, लोगों के हित में ही कोई ना कोई डिसीजन ले रही है, मगर जो डिसीजन लेने के बाद उसमें कहीं पॉलिटिक्स ना हो
और उसको अमल करने के लिए शासन प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि और नागरिकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इसका, यानी कोरोना के साथ किस तरह से अच्छे जी पाए। तो इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि जो नियम बनाए गए हैं वो नियम को थोड़ा शिथिल करके और उस पर कड़ी तरह से उस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से मार्केट खोला जा रहा है, धीरे धीरे सब खोल देना चाहिए, बिल्कुल सही, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जिस जो जो प्रोटोकॉल दिए हैं उसका पालन करके मार्केट खोलना चाहिए, और ताकि लोगों को डर भी कम रहे, लोग बाहर भी निकले और कोरोना फैले ना भीड़ में। जैसे चंद्र जी ने बोला, अविनाश जी ने बोला, भीड़ में कोरोना फैलता है, कब फैलता है, नहीं फैलता है बोला है, और क्या कब और फैलता कब है, जब हम मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो बिल्कुल फैलेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए कंक्लूजन की हम बात करते हैं। हमने एक कहानी सुनी थी कि जब एक कई गुरु महाराज बताते थे, एक वो विद्यार्थियों के सामने एक लकड़ी रखते थे और उसके कहते थे कि इसको तोड़ दीजिए, और लकड़ी टूट जाती थी, फिर वो लकड़ी का गट्ठड़ को बांधते थे और फिर कहते थे कि अब इस गट्ठड़ को तोड़ दो, गट्ठड़ टूटता नहीं था। इस कहानी के माध्यम से वो एकता की बात बताते थे। आज भी देश को जरूरत है उस एकता की, लेकिन इस एकता का मतलब ये नहीं कि हम इकट्ठा खड़े हो, इसका मतलब है कि हम भावनिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से एक साथ इकट्ठे होकर जो प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करें। हम अपने आप को आइसोलेट रखने की अगर कोशिश करें, हम अपने आप को उस भाव में लेके जाए कि हम देश को एक बेहतर स्थिति और बेहतर भविष्य दे सके, हमारे बच्चों को अच्छी व्यवस्था दे सके, तो आज जो हम कोरोना के घर की बात करते हैं, इस घर को हम एक अच्छे भविष्य में तब्दील कर सकते हैं। जरूरत है फिर से एक साथ होने की, इस COVID-19 के साथ में लड़ने की, ऐसी परिचर्चाओं के साथ में फिर से हम इन बीसी यूनिवर्सिटी के न्यूज के माध्यम से आपके साथ में बातचीत करते रहेंगे। मैं हमारे आज के पैनलिस्ट अविनाश भाव का और गुड्डू तिवारी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय यहाँ पर किया। चंदू जी और इमरान जी, आपका भी धन्यवाद, फिर से हमारे साथ में आपका स्वागत करेंगे दूसरी परिचर्चा के साथ में। बने रहिए सिटी न्यूज और इन बीसी न्यूज पर। नमस्कार।